Hi guys, I'm going to show you something damn amazing, and I'm a Ganpati fan, so I kind of take it a little, I'm a little superstitious, but this is amazing. This is the Nariyal we broke at home today, and look what we have inside. I don't know if you can see it. It's a Modak shape fruit inside. I don't know what it is. I read about it on Google, and it's supposed to be very lucky. At the same time, you can eat it. It has a lot of magnesium. The scientific reasons are there, but I consider this as a prashad. And thank you, Ganpati Bappa Morya. He's my favorite. Everybody knows that, and I just am so happy to receive this. I take this as a prashad. Thank you. I thought I'll share this with you. Chal, will you see this? Boozy, where's the ball? Where's the ball? Drop. Focus him. Focus on him. Boozy, drop the ball. Drop. Hey. No. Sit down here. Drop. Drop. Now. I said now, drop it. Yes. Catch me if you can. Boozy, go for it. Boozy, come here. Yeah, sit down. Boozy, come here. He's come for me. Yes. You gave it to him? Where is he? Boozy, drop. Boozy, wait. Boozy. Give it to me. Good boy. Go, Boozy. Go get it. Be home. Be safe. And don't go outside. Okay, Chef Arjun is back. आज मैं साबूदाने की खिचड़ी बनाने वाला हूँ. हालांकि मैंने कहा था कि मैं कांदा पोहा बनाऊंगा, वो किसी और दिन बना लूंगा. मेरा बहुत मन कर रहा है साबूदाने की खिचड़ी खाने का. मेरी मम्मी बनाती थी, एंड आई एम रियली मिसिंग हर. इसलिए मैंने सोचा मैं बना दूं. एंड जब भी वो ये वीडियो देखेगी तो शी फील वेरी प्राउड कि वाह, इसने ये भी कर दिया. तो मैं आपको पहले थोड़े इंग्रेडिएंट समझा देता हूँ. ये देखिए, ये मैंने कल रात को साबूदाने भिगो के रखे थे, तो वो बहुत जरूरी है आपके लिए. यू हैव टू रात को उसको भिगो के रखना पड़ता है, तो दिन में वो ऐसे हो जाते हैं. ठीक है, ये मैंने जो है आलू उबाल के रखे हैं. तो अभी आलू को हमें पहले स्मैश करना है और फिर साबूदाने जो उबले हुए हैं उसमें मिक्स करना है. तो मैं वो सबसे पहले स्मैश कर देता हूँ. ये लो, आपका स्मैश हो गया. यूजुअली जो माए होती है वो इसे हाथ से करती है. हम थोड़ा स्टाइल मारते हैं, बट हाथ से भी कर सकते हैं. लेकिन याद रखना, हाथ आपके धुले होने चाहिए. अभी तो सबके हाथ बहुत आधा ही धुले हैं. किसी को चाटे भी पड़ेंगे तो सफाई के पड़ेंगे. ओके, ये हो गया स्मैश. और ये इसमें मैंने अविनाश दिखा दे भाई कैसे मिला दिया है. और फिर इसको, अरे एक वो कुछ काम जो है हमारी जो माएं हैं वो बहुत परफेक्ट करती हैं. कुछ उनका ऐसे साइड में गिरता रहता नहीं है. जब हम करते हैं तो थोड़ा बहुत हो जाता है, बट इतना अलाउड है. ओके, ये अब मैंने अच्छे से इसे इसमें मिला दिया है आलू को.
उबले हुए आलू को, बॉइल्ड पोटैटोस। ओके, अब मैं गैस ऑन कर देता हूँ। अच्छा, एक और चीज आपको बतानी है, ये देखिए, ये है अपना सिंगदाना जिसे कहते हैं। तो कच्चा सिंगदाना को ग्राइंड नहीं करते हैं, सिंगदाने को पहले थोड़ा भून लेना, अच्छे से उसे कड़क बना देना, उसके बाद उसे मिक्सी में डाल के उसकी ये मतलब उसको ग्राइंड कर देना, तो वो ऐसा बन जाएगा। तो सिंगदाने भरते हैं साबूदाने की खिचड़ी में। तो मैं भी सबसे पहले गैस ऑन कर देता हूँ। गैस इज ऑन। अब मैं इसमें डालूंगा सबसे पहले 2 चम्मच घी के, देसी घी बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए भी। मैंने जैसे कि कहा था, जो भी आप करो लिमिटेड मात्रा में करोगे तो हेल्दी होता है, वो बोन्स के लिए और जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है देसी घी। थोड़ा भी ये, और याद रखना धीमी आंच, नेहा तेज आंच पे करती है, मैं धीमी आंच पे करता। बाय द एंड ऑफ ऑल वीडियोस नेहा इज गोना किल मी, फील लाइक तुमने मेरी बदनामी की है। ओके, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इसमें डालूंगा हींग, थोड़ी सी और, इतनी सी और डाल देता हूं। सारा गेम जो है ना वो स्पाइसेस का होता है, कि थोड़ा सा ज्यादा हो गया ना और टेस्ट बदल जाती है। तो इसलिए वो कहते हैं कुकिंग हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन्हें सही मात्रा में डालना बहुत जरूरी है, वरना डिश का पिटारा बच सकता है। अभी ये है मस्टर्ड सीड्स, 1 चम्मच वो डाल दो। अभी ये थोड़ा ऐसे टक 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 टक, अब आ जाएगा। आप देख रहे हो कि मैं वो डिशेस बना रहा हूं घर में, देखिए ये कैसे उछल रहे हैं। इन्हें भी कढ़ाई में नहीं रहना है जैसे हमें घर में नहीं रहना है, कोई बात नहीं, हम सारे मस्टर्ड सीड्स बन चुके हैं, हमें उछल के बाहर जाना है। लेकिन फिलहाल स्टे होम स्टे सेफ टिल द टाइम द गवर्नमेंट डजंट टेल अस कि ये धीमी आंच, ठीक है। थोड़ा इसको मैं मिला देता हूं ताकि वो जले ना। उसके बाद इसमें डालूंगा कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता अगर आपको पता नहीं है, मुझे भी पता था लेकिन किचन चैंपियन में मैंने सीख लिया था कि कड़ी पत्ता आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, इट्स गुड फॉर योर आईज एंड सॉरी हेयर, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अब इसमें मैं डाल देता हूं साबूदाने की खिचड़ी, खिचड़ी नहीं सॉरी, उबले हुए साबूदाने। टेक टू। अब इसमें मैं डालूंगा साबूदाने जो उबले हुए हैं, और जो आलू जो उबले हुए थे और मैंने उसमें स्मैश करके मैश करके उसे मिक्स कर दिया है। तो मैं सारी वो डिशेस बना रहा हूँ जो बहुत इजी होती है, कम कम, जो आजकल जो लोग अकेले रह रहे हैं जिनको बहुत मुश्किल हो रही है, सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं है जिनके पास, ये सारी चीजें बहुत इजीली मिल जाती है। और ये जो इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत बेसिक है, घर में होते ही है हमारे जो लोग कुक करते हैं। दिखा भाई शक्ल, दिखा कितनी अच्छी लग रही है। अब मैं इसमें डालूंगा ये जो बारीक पिसा हुआ सिंगदाना है जिसे हमने भूना है, उसे डालना मत भूलिएगा। किसी किसी को नहीं पसंद है तो वो मत डाले, किसी को एलर्जी है तो मत ना डालें, आप आलू की मात्रा बढ़ा सकते हैं उसमें। लेकिन जो ऑथेंटिक बनता है, बनती है साबूदाने की खिचड़ी, वो ऐसी ही बनती है। ये मुझे लगता है
मैंने कुछ ज्यादा ही भिगो दिए थे साबुन ये भरता ना बन जाए साबुदाने की खिचड़ी का तरफा। ओके मिर्ची 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 तो डाली ही नहीं मैंने, शुरुआत में डालनी थी। ओ माय गॉड अब क्या करूं मैं, चलो डाल देता हूं। आओ यूजुअली ये सब ग्लव्स पहन के करिए बिकॉज अरे शक्ल दिखा दे मेरी ही दिखाता रहेगा क्या, लोगों को खिचड़ी की शक्ल देखने क्या हो क्या रहा है इसमें। मुझे लगता है मुझे घी कम पड़ गया है और शक्कर शक्कर हल्की सी शक्कर डालनी होती है खाली टेस्ट के लिए, इतनी सी बस। ये मेरी मम्मी डालती है, मैं महाराष्ट्र में, और वो थोड़ी सी शक्कर डालती है बस टेस्ट के लिए, किसी को नहीं डाली है मैं डाली, कोई जबरदस्ती नहीं है। चिपक की हुई है आपस में, अभी होगा। आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसमें कुछ ऐसा मेरे से कुछ कमी रहेगी, वही तो आई एम सॉरी। तो आप उसे, अगर आपको पता है ये एकदम परफेक्ट कैसे बनाते हैं, तो प्लीज आप अपना ही मतलब रेसिपी जो है आप यूज कीजिएगा। दिस इज फॉर लाइक यंगस्टर्स, माए उनको तो पता ही है साबुदाने की खिचड़ी कैसे बनाने, इनफैक्ट मुझे उनसे लेसन लेने चाहिए, लेकिन जो यंगस्टर्स है वो हम इस खिचड़ी में काम चला सकते हैं टेस्ट में। मैं काम करता हूँ, तो लग रहा थोड़ी सी ड्राई हो रही है इसलिए मैं थोड़ा सा घी है ऊपर से डाल देता हूँ उसको, थोड़ा साइड से ऐसे। ज्यादा कुछ और डालना नहीं है, नमक डालना भूल गया, ऐसा कई बार होता है। नमक स्वाद अनुसार, ऐसा कई बार होता है मेरी मम्मी के हाथों से भी कई बार ऐसा होता है कि नमक डालना भूल जाते हैं, और मेरी मम्मी हमेशा मुझे पता नहीं चलता था एक्चुअली, तो मुझे लगता था कि सब्जी ठीक नहीं बनी है, लेकिन मैं अपनी मम्मी को बताऊंगा नहीं कि वो ठीक नहीं बनी, तो मैं खाता रहता था। तो जब मम्मी टेस्ट करती थी तो वो आगे मुझे पूछती थी ऐसे कि तुझे सब्जी ठीक लगी क्या आज, मराठी में पूछती थी, तुला भाजी ठीक वाटली का, ना है कायतरी होता वेगर पर चांगली होती, मुझे सर पे मार के देती थी, उसमें नमक नहीं था। तो फिर मैं कहता अच्छा, तभी मैं सोचूं कि कुछ अजीब क्यों लग रहा है। तो नमक जो है बेसिकली बहुत बहुत जरूरी होता है खाने में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली इनको डॉक्टर ने मना किया है। थैंक्स अविनाश, बीच बीच में म्यूजिक भी होना चाहिए। एक्चुअली आज मैंने सोचा था कि खाने के टाइम थोड़ा म्यूजिक प्ले करूंगा बनाने के टाइम, बट वो मैं भूल गया। तो नेक्स्ट डिश, अब मैं थोड़ी सी इसमें धनिया, आज मैं आपको इसे थोड़ा प्लेट में डाल के गार्निश भी करूंगा, थोड़ा सा नींबू, नींबू जो है मैं डाल देता हूँ इसका, कहाँ गया वो क्रशर, यहाँ नहीं है। छोड़ो देसी, शक्ल तो देखा मैं आज, दिखा दे यार एक बार, इतनी प्यारी लग रही है।
बिल्कुल मेरी बीवी की तरह है। ओके तो कई सारे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे, इसको मैं थोड़ा रखने देता हूँ, ठीक है, और थोड़ा आपको पकाता हूँ। जितने भी सारे आजकल पति होंगे, बॉयफ्रेंड होंगे, तो अर्जुन तो मरवा के रहेगा। कोई बात नहीं, कुकिंग करने से आपको मरने नहीं वाले, घर पे आराम से कुकिंग कीजिए एंड यू नो हेल्प योर मॉम, हेल्प योर वाइफ एंड इससे काफी टाइम आपका दिन का जो है गुजर जाता है एंड बाहर जाके मरने से अच्छा है घर पे मरिए। डोंट टेक दैट वेरी सीरियसली प्लीज। ओके तो इसे मुझे लगता है कि अनदर लाइक थ्री मिनट्स एंड इट शुड बी डन, और फिर उसे एक सर्विंग बोल में आप डालिए और डाइनिंग टेबल पे सजाइए, और आप और आपके परिवार वाले, आप और आपके परिवार वाले प्लीज एक साथ बैठिए और साबूदाने की खिचड़ी का मजा लीजिए। तो ये था आज की मेरी आज की मेरी खास रेसिपी साबूदाने की खिचड़ी। मैं हर चीज बहुत इजी सिखाऊंगा या बताऊंगा या खुद कुक करूंगा, क्योंकि मेरे लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी। थैंक यू।